दोस्तों आज की ये मूवी बहुत ही यूनिक है। मैंने आज तक कई कोरियन मूवीज को देखा है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट और स्टोरी इस मूवी में दिखाई गई है वो आज तक कहीं नहीं देखी। इसकी कहानी लिखने वाले को मेरा सलाम है, क्योंकि जिस खूबसूरती से ये कहानी लिखी गई है वो सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई दुनिया में ऐसा कुछ हो सकता है। तो चलिए बिना स्पॉइलर दिए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है पोस्टमैन ऑफ हेवन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप सस्पेंस थ्रिलर मूवीज के भी फैन हैं, तो हमारे दूसरे चैनल आई एक्सप्लेन मूवीज को भी सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है एक रास्ते से, जिसके पास एक बड़ा घास का मैदान है और उस मैदान के बीचों बीच एक लेटर बॉक्स है। उस लेटर बॉक्स के अंदर कुछ खत है और साथ में कुछ खत और गिफ्ट घास पर पड़े हुए हैं। तभी हमें एक लड़के की आवाज़ सुनाई देती है, जो असल में वहाँ पड़े खतों में से एक खत को पढ़ रहा होता है। अब जिस खत को वो लड़का पढ़ रहा था वो असल में एक बेटी ने अपनी माँ के लिए लिखा था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। बेटी लिखती है कि माँ, आपको गए 7 साल हो गए, लेकिन मैं अभी तक आपको नहीं भुला पाई हूँ। मेरी बेटी अब 1 साल की हो चुकी है। कल जब वो पीले कपड़े पहनकर मेरे सामने आई तो मुझे आपकी याद आ गई। आपको पीला कलर कितना पसंद था, आप मुझे बचपन में पीले कपड़े पहनाया करती थीं। अगर आप आज होती तो मेरी बेटी को देखकर बहुत खुश होती। वो लड़का इस खत को इतने अच्छे से पढ़ रहा होता है कि सुनने वालों की आंखों में आंसू आ जाएं। खैर अब वो एक खत पढ़ता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये लड़का कौन है और सभी के खत क्यों पढ़ रहा है। इतनी देर में वहाँ हैना नाम की लड़की आती है, जो अपने खत को उस लेटर बॉक्स में डाल देती है। इसके बाद वो लड़का सभी खतों को उस लेटर बॉक्स से निकालता है और अपने बैग में रख लेता है। वो जाने ही वाला होता है कि तभी हैना पूछती है कि तुम कौन हो और इन खतों को कहाँ ले जा रहे हो। वो लड़का जवाब देता है कि मैं स्वर्ग से आया हुआ डाकिया हूँ। जो लोग अपने गुजरे हुए रिश्तेदारों और फैमिली मेंबर्स को खत लिखते हैं, मैं उन खतों को उनकी सही जगह पर पहुंचा देता हूं। इसके बाद हैना सोचती है कि ये लड़का पागल है, और जब वो वहां से जाने लगता है तो वो उसे रोकती है, क्योंकि उन खतों में उसका खत भी शामिल है। लेकिन जब वो लड़का नहीं रुकता तो वो भी उसके साथ हो लेती है, ये देखने के लिए कि आखिर ये लड़का उन खतों के साथ क्या करता है। एक कैफे में बैठकर बात करने पर उसे वो लड़का अपना नाम बताता है, उसका नाम जून है। वो जून से पूछती है कि आखिर तुम इन खतों का क्या करते हो, इनको कहाँ ले जा रहे हो। जून कहता है कि मैं इन खतों को लिखने वालों की मदद करता हूँ और इनको स्वर्ग तक पहुँचाता हूँ। ये सुनकर हैना फिर से अपना सर पकड़ लेती है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी नज़र में वो लड़का पागल है। लेकिन तभी जून कहता है कि क्या तुम देखना चाहती हो कि मैं उन लोगों की मदद कैसे करता हूँ। हैना कहती है कि हाँ, मुझे जाना है और मुझे भी लोगों की मदद करनी है। जून कहता है ठीक है, तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ, मैं रोज तुमको 1,000 रुपए दूंगा और तुम्हें भी ये काम सिखाऊंगा। इसके बाद तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि मैं लोगों की किस तरह मदद करता हूँ। अब हैना को असल में काम की तलाश होती है, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी उसको काम नहीं मिल रहा होता, पर वो जून वाला काम नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं है कि वो उस काम को कर नहीं सकती, बल्कि असली वजह वही है, उसे लगता है कि जून पागल है और कुछ नहीं। खैर वो अगले दिन काम की तलाश में फिर से निकलती है, लेकिन जब उसे कोई काम नहीं मिलता तो थक हार कर अपनी साइकिल के साथ उसी घास के मैदान में आ जाती है। वहाँ उसे आज फिर से जून मिलता है, जो एक खत को पढ़ रहा होता है। वो खत असल में एक माँ ने लिखा है जिसका बच्चा गुजर चुका है। उसने अपने बच्चे की पसंदीदा कुकीज और खाने को भी उस खत के साथ रखा हुआ था। अब जून उस माँ के खत को पढ़ता है तो हैना रोने लगती है, उसे उस माँ का दर्द महसूस होता है। इसके बाद जून अचानक उस खत के साथ आया खाना खोलता है और उसमें से कुछ निवाले उठाकर खा लेता है। खाने के बाद वो उस टिफिन के ऊपर कुछ फूल और थैंक यू नोट रख देता है। ये देखकर हैना कहती है ये क्या कर रहे हो तुम, ये सब तो गलत है। तभी जून कहता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं उन लोगों का संदेश इधर से उधर पहुंचाता हूं, जो किसी वजह से अपने लोगों से दूर नहीं हो पाए। वो अपने लोगों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उनको खत लिखते हैं। मैं उनकी उम्मीद को जिंदा रखता हूं, जिनको जाना था वो तो जा चुके हैं, लेकिन जो पीछे छूट गए हैं मैं उनके दुखों को कम करने की कोशिश करता हूं। ये सुनकर हैना को उसकी बात समझ आ जाती है और वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अब अगले दिन वो दोनों एक खत को पढ़ते हैं, जो एक बूढ़े आदमी ने लिखा है। वो आदमी असल में काफी बूढ़ा है और वो इस खत में अपनी मरी हुई पत्नी से कुछ सवाल कर रहा है।
उसकी पत्नी को गुजरे अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। वो खत में लिखता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे भी तुम्हारे प्यार पर कभी कोई शक नहीं था, लेकिन तुम्हारे गुजरने के बाद घर से हुई सफाई में मुझे तुम्हारे कवर्ड में एक खत मिला। वो खत तुम्हारे प्रेमी ने लिखा था। मैं बस तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारा बेटा हमारा ही है ना? मैंने अपने जिस बेटे को जिंदगी भर पाला और उसको बड़ा किया, वो हम दोनों का ही है ना? मैं इस वजह से दिन रात सो भी नहीं पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर वो मेरा नहीं होगा तो मैं उसको मार दूंगा या उसको छोड़ दूंगा, लेकिन मैं इस राज के साथ चैन से नहीं जी पा रहा हूँ। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बताओ कि सच क्या है। अब ये सब पढ़कर हैना और जून एक प्लान बनाते हैं। हैना जाकर उस बूढ़े आदमी की बहू से मिलती है और उसे सब कुछ बताती है। उसकी बहू ये जानकर हैरान हो जाती है और नोटिस करती है कि असल में उसके पति की शक्ल अपने पिता से सच में मिलती भी नहीं है, लेकिन वो भी चाहती है कि उसके पति के पिता अपनी बीबी के दुख में मायूस ना बने रहें। इसलिए हैना और वो मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो एक झूठी डीएनए रिपोर्ट निकलवाते हैं और उसमें ये दिखाते हैं कि ये टेस्ट असल में उसके बेटे ने ही खुद छिपकर करवाया है, क्योंकि उसने भी वो खत पढ़ लिया था और उसे भी अपने ऊपर शक था कि वो अपने ही माँ और पिता का बेटा है या नहीं। इसके बाद वो उस रिपोर्ट को जानबूझकर उस बूढ़े आदमी के हाथों तक पहुँचा देते हैं ताकि उसे लगे कि ये असल में उसके बेटे की ही रिपोर्ट है जो उसके हाथ लग गई है। ठीक ऐसा होता भी है। रिपोर्ट उस बूढ़े आदमी के हाथों तक पहुंच जाती है और वो उसे पढ़कर बहुत खुश होता है और उसके अंदर का सारा मलाल आखिरकार अब निकल जाता है। वो बूढ़ा आदमी उस रिपोर्ट को वापस उसकी जगह पर रख देता है ताकि उसका बेटा अपनी रिपोर्ट पढ़ सके, लेकिन हैना अब उस रिपोर्ट को वहां से ले जाती है क्योंकि अब उसका काम हो चुका था। हैना भी आज बहुत खुश है क्योंकि उसने एक बूढ़े आदमी की बची हुई जिंदगी में फिर से रंग भर दिए हैं। खैर, अब अगले दिन हैना दूसरा खत पढ़ती है जिसे पढ़कर वो इमोशनल हो जाती है। वो खत असल में एक बेटे ने अपने गुजरे हुए पिता के लिए लिखा था। असल में वो बेटा एक म्यूजिशियन है और उसके पिता एक रिसर्चर थे। वो अपने बेटे के इस प्रोफेशन से खुश नहीं थे, इसलिए दोनों में बनती नहीं थी और इसी वजह से वो बेटा अपने पिता से दूर रहने लगा। उसने कभी अपने पिता को समझाया नहीं और ना कभी पिता ने उसके काम को सराहा, लेकिन इस बीच एक दिन अचानक पिता की तबीयत खराब हुई और उन्हें लगा कि वो अपने बेटे से कहेंगे तो वो आएगा नहीं, इसलिए वो खुद अपना इलाज कराने हॉस्पिटल गए और वहीं कुछ दिनों में उनकी मौत हो गई। अब बेटे को जब इस बात का पता चला, उसने कभी ऐसा तो नहीं सोचा था। उसे अपने पिता की मौत का बेहद दुख है और उनसे बात ना कर पाने का मलाल है, इसलिए वो इस खत में अपने पिता से माफी मांगता है और अपने प्रोफेशन को छोड़ने का फैसला लेता है। ये पढ़कर हैना के भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो जानती है कि वो लड़का अगर अपना प्रोफेशन छोड़ देगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए वो एक प्लान बनाती है। वो उस लड़के के पास एक नर्स बनकर जाती है और कहती है कि आखिरी दिनों में आपके पिता की देखभाल मैंने ही की थी, वो मुझसे अपने अंतिम समय में एक डायरी लिखवाया करते थे जो उन्होंने मुझे आपको देने के लिए कहा था, इसलिए ये डायरी आपकी अमानत है, इसे आप अपने पास रख लीजिए। हैना के जाने के बाद वो लड़का उस डायरी को खोलता है तो उसमें उसकी म्यूजिक एल्बम की फोटोज थे और साथ में उसके पिता द्वारा लिखे कुछ शब्द थे जिसमें वो अपने बेटे के हुनर को अप्रिशिएट कर रहे थे और जानते थे कि उनका बेटा एक दिन बहुत बड़ा काम करेगा। ये पढ़कर वो लड़का बहुत ही हैरान हो जाता है कि उसके पिता को उसने जिंदगी भर गलत समझा, वो असल में उसके हर पल को अपने पास संजोकर रख रहे थे। ये पढ़कर वो रोने लगता है और आखिरकार अपने प्रोफेशन की तरफ वापस मुड़ जाता है। अब अगले दिन जब हैना और जून आपस में उस लेटर बॉक्स के पास खड़े होकर कुछ बात कर रहे होते हैं कि तभी एक औरत और उसका बच्चा वहाँ आते हैं। पास जाकर देखने पर हैना को पता चलता है कि ये तो उस आदमी की बीवी है जिसको वो प्यार किया करती थी। उसके जाने के बाद हैना खुद को रोक नहीं पाती और जोर जोर से रोने लगती है। जून को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो हैना का वो खत निकालकर पढ़ने लगता है जो हैना ने पहले दिन इस लेटर बॉक्स में आकर डाला था। जून को पता चलता है कि जिस आदमी ने हैना से प्यार किया वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए हैना ने वो खत उसी आदमी के लिए लिखा था, क्योंकि उसके मरने के बाद ही हैना को पता चला कि उस आदमी की एक बीवी और एक बच्चा पहले से ही है। हैना ने आज जब उनको देखा तो उसे अपना पास्ट फिर से याद आ गया, इसलिए वो रोने लगी। रोने से आज उसके अंदर का दुख थोड़ा कम हुआ और फिर जून भी उसे समझाता है कि जिसे जाना है उसे कोई नहीं रोक सकता और उसके किसी काम की वजह से तुम खुद को क्यों दुखी कर रही हो। ये सुनकर हैना भी शांत हो जाती है और फिर वो दोनों एक साथ वहाँ से चल देते हैं। रास्ते में हैना जून से पूछती है कि तुम्हारा ये काम कभी खत्म होगा या नहीं, या जिंदगी भर यही करते रहोगे। जून कहता है हाँ,
जिस दिन मैं जग जाऊंगा उस दिन ये काम खत्म हो जाएगा और हम दोनों पकड़े जाएंगे। इतने खतों को पढ़ने और उसके साथ छेड़खानी करने के लिए हैना हैरानी से पूछती है कि आखिर पकड़े क्यों जाएंगे। इस पर जून बात घुमा देता है और उसका ध्यान दूसरी बातों की तरफ ले जाता है। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और हैना भी अपने अंदर का दुख भूलने लगती है। साथ ही वो जून के साथ से खुश है क्योंकि उसके साथ वो खुद को अधूरा महसूस नहीं करती। इस बीच एक दिन जब जून कैफे में बैठकर एक खत को पढ़ रहा होता है तभी वो एक कॉफी ऑर्डर करता है, लेकिन वहाँ उसकी कोई नहीं सुनता। पीछे मुड़कर देखते ही वो कहता है, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, क्या कोई सुन रहा है। तभी अचानक उसे कुछ याद आता है और वो मन ही मन कहता है, अरे मैं भूल गया, आज तो मैं अकेला हूँ। अब यहाँ वो ऐसा क्यों कहता है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। खैर, अब वो एक दूसरे कैफे में जाता है जो उस आदमी का था जिसका खत वो पिछले कैफे में बैठकर पढ़ रहा था। उस कैफे में जून ने उस आदमी के कुछ एल्बम्स देखे जिसमें सिर्फ आसमान की खींची हुई तस्वीरें थी। जब जून उससे उस एल्बम के बारे में पूछता है तो वो आदमी कहता है कि दरअसल ये शौक मेरे बेटे का था जो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं उसके शौक को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। ये सुनकर जून थोड़ा मुस्कुराता है और कॉफी पीकर वहाँ से चला आता है। लेटर बॉक्स के पास जाने पर उसे पता चलता है कि उसमें आज कोई भी खत नहीं है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि असल में लेटर बॉक्स खुला हुआ है, यानी हैना सभी खतों को लेकर गई है। इसलिए वो आज हैना के पास पहुंचता है जो सभी खतों को अपने सीने से लगाकर बैठी है। वो जून से कहती है कि जिस औरत ने अपने बच्चे के लिए उस दिन खाना भेजा था उसकी उम्मीद अब बढ़ गई है, वो अपने बेटे से मिलना चाहती है, लेकिन हम उसकी मदद कैसे करेंगे, ये तो नामुमकिन है। ये कहते कहते हैना पूछती है कि तुम कहाँ गए थे और ये किसका खत अपनी जेब में लिए घूम रहे हो। इसके बाद हैना उस खत को निकालकर पढ़ने लगती है जो उसी कैफे वाले आदमी ने अपने बेटे के लिए लिखा था। वो आदमी लिखता है, प्यारे बेटे, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन इस तरह चले जाओगे मुझे ये अंदाजा नहीं था। तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपना डॉक्टरी का पेशा छोड़ दिया। मुझे इस बात का मलाल है कि समय रहते मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहा, जबकि वो बीमार थी मैं फिर भी काम में लगा रहा और काम के अलावा परिवार को कभी टाइम ही नहीं दिया। उस दिन जब तुमने मुझे फोन किया कि माँ की तबीयत खराब है, पापा आप जल्दी आ जाओ, मैं तब भी तुम्हारे पास नहीं आ पाया और तुम्हारी माँ चल बसी। मैं कहना चाहता हूँ कि उस दिन जब मैं निकलने वाला था तभी तुम्हारी माँ की तबीयत की बात से मैं बेहोश हो गया और मैं नहीं आ पाया था। हालांकि तुम्हारा गुस्सा जायज था, मैं आज भी उसी चीज को लेकर घुटघुट कर जी रहा हूँ। अब इतना सब पढ़कर हैना सोचने लगती है कि आखिर किस तरह इनकी मदद की जाए, क्योंकि एक अकेला आदमी इतना बोझ अपने मन पर लिए कब तक जिंदा रह पाएगा। इसलिए अगले दिन हैना और जून मिलते हैं। हैना कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम उस कैफे में अंकल के पास एक फेक रिकॉर्डिंग टेप लेकर जाएंगे और कहेंगे कि ये टेप उसी प्लेन में मिला है जिसके क्रैश होने की वजह से ही उनके बेटे की मौत हुई थी। हम उस रिकॉर्डिंग में सुनाएंगे कि उस बेटे ने अपने पिता को माफ कर दिया था और उसके मन में अपने पिता के लिए कोई नफरत नहीं थी, लेकिन इस बार जून ऐसा नहीं करना चाहता। दरअसल वो कुछ और ही सोच रहा है। दूसरी तरफ हैना अब खुश है कि वो अपने पुराने दुख को पूरी तरह से भुला चुकी है। बातों ही बातों में जब वो कॉफी ऑर्डर करने जाती है तो वापस देखने पर उसे जून वहाँ नहीं दिखता। वो थोड़ा घबरा जाती है और इधर उधर देखने लगती है। घबराने के 2 सेकंड्स के अंदर ही अचानक उसे जून उसी चेयर पर बैठा दिखने लगता है जिस पर वो उसे छोड़कर गई थी। वो जून के पास आती है और पूछती है कि अभी तुम कहाँ गए थे और इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, तुम गायब भी हो जाते हो क्या, क्या सच में तुम कोई आसमान से आए फरिश्ते हो। हैना ये सब मजाक में बोले जा रही थी, लेकिन तभी जून उसे अपने साथ कहीं चलने को कहता है। रास्ते भर हैना उससे ढेरों सवाल करती रहती है और तभी जून रुककर कहता है कि तुम मुझे सिर्फ तभी देख सकती हो जब तक तुम्हारे मन में किसी आदमी को खोने का दर्द या चिंता मौजूद है। जब तुम खुश थी तब मैं तुम्हें नहीं दिखा, लेकिन जब तुम्हें मेरे खोने की फिक्र हुई मैं वैसे ही तुमको दिखने लगा। ये सुनकर हैना के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही खुश रहती हूँ और अगर खुश होते ही तुम नहीं दिखोगे तो मेरा क्या होगा। ये कहते कहते हैना फूट फूट कर रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन जब वो वापस आती है तो जून को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन वही जून को ये नहीं पता कि वो उसे कब तक नजर आएगा। इसी बीच हैना उस कैफे के मालिक के पास गई और बोली कि मैं उस देश में गई थी जहाँ एक प्लेन क्रैश हुआ था। उस क्रैश वाली जगह के पास एक होटल था जहाँ उस होटल में काम करने वाले आदमी को एक रिकॉर्डिंग टेप मिला था। वो भाषा दूसरी थी इसलिए उनको समझ नहीं आई, पर जब मैंने इसको सुना तो मुझे ये आपके बेटे की आवाज़ लगी, इसलिए मैं ये आपको देने आई हूँ। ये रिकॉर्डिंग आपके बेटे ने आपके लिए की थी, माफ कीजिए मुझे आवाज़ पहचानने के लिए इस टेप को सुनना पड़ा था, आपका बेटा आपसे बहुत प्यार करता था। ये सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है और फौरन उस टेप को चलाता है। अब जैसे जैसे वो आदमी उसको सुनना शुरू करता है वैसे ही उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक जून उठकर वहां आता है
और उस आदमी से कहता है कि ये टेप फेक है, ये सब झूठ है। ये सुनकर हैना उसको बाहर खींच लाती है और कहती है कि ये सब तुम क्या कह रहे हो, वो आदमी कितना परेशान है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए और तुम उसको उल्टा दुखी कर रहे हो, तुम्हें आखिर हो क्या गया है। जून कहता है कि नहीं, बहुत हो गया, बहुत झूठ बोल लिया हम दोनों ने, लेकिन अब नहीं, ये गलत है, किसी को झूठी उम्मीद देना गलत है। ये सुनकर हैना नाराज हो गई और कहने लगी चलो ठीक है, मुझे कोई पैसे मत देना, लेकिन मुझे उसकी मदद करने दो। लेकिन जून अब भी नहीं मानता और हैना वहाँ से रोते हुए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो पीछे मुड़कर देखती है तो जून भी वहाँ नहीं होता। अब कुछ दिनों बाद वो उसी कैफे वाले आदमी के पास जाती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन वो आदमी उससे नाराज नहीं बल्कि खुश है। वो कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे समझ आया कि जो पागलपन मेरे अंदर शुरू से चल रहा था उसे खत्म करने का वक्त आ गया था। अपने ईगो की वजह से मैं कभी अपने बेटे और बीबी से नहीं मिल पाया और अब ईगो की वजह से मैं उनके जाने के बाद उनसे दूर नहीं हो पा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी गलती को समझने और प्रायश्चित करने के लिए मुझे दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि अपने दुख को लेकर बैठे रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह मैं कभी अपने अंतर्मन के दुख को दूर नहीं कर पाता। हैना को ये सुनकर खुशी हुई कि सच जानकर उस आदमी ने खुद को और अच्छा बना लिया, जबकि उसे लग रहा था कि उसकी मदद करने से वो उसको अच्छा महसूस करवा पाएगी। ये सुनकर उसे याद आती है जून की बात कि किसी को झूठी उम्मीद में मत रखो ताकि वो खुद को संभाल सके। झूठी तसल्ली आदमी को और कमजोर बनाती है और वो हालातों से लड़ने लायक नहीं रहता। इसी बीच वो आदमी कहता है कि तुम्हारा साथी जून उसी दिन शाम को आया था, मैंने उससे कहा कि तुम दोनों कभी भी आगे से मेरे इस कैफे में आ सकते हो, लेकिन उसने कहा कि वो अब कहीं दूर जा रहा है, वापस नहीं आ सकेगा। क्या तुम्हारी उससे कोई बात हुई थी? ये सुनकर हैना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहती है कि नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई। वो डर गई कि कहीं उस दिन वो गायब होने वाली बात सच तो नहीं थी, और उस दिन जून ने ऐसा क्यों कहा था कि जिस दिन वो जग जाएगा उस दिन उसका काम खत्म हो जाएगा। इस बारे में सोचते हुए हैना अब सीधे वहाँ से रोते हुए भागकर उस लेटर बॉक्स के पास पहुँचती है, लेकिन जून वहाँ नहीं होता। इसके बाद वो वहाँ गई जहाँ वो दोनों रोज खत लेकर जाया करते थे। वहाँ उसे एक खत मिला जिसमें जून ने लिखा था कि मुझे माफ करना, मैं जाने से पहले खुद तुमसे मिलने नहीं आ सका, पर जाते जाते मैं तुम्हें अपनी कहानी बताना चाहता हूँ। मैं एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का था जिसके पास पैसे तो थे और रुतवा भी, लेकिन उसे किसी की कोई कदर नहीं थी, कभी किसी को नहीं समझा। पैसा तो बहुत कमाया लेकिन उन पैसों के बदले एक एक करके सारे रिश्ते गंवा दिए। फिर एक दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ, होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर अधमरा पड़ा हुआ था। मुझे लग रहा था कि मैं होश में हूँ, लेकिन बाकी सब मुझे बेहोश समझ रहे थे। तब मुझे पता चला कि ना तो मैं जिंदा हूँ और ना मैं मरा हुआ हूँ। मुझे भगवान ने दोनों कड़ियों के बीच उलझा दिया है ताकि मैं हकीकत को देख सकूं। इसके बाद मुझे एक जगह पर भेजा गया जहां उन्होंने मुझे खतों को पहुंचाने का काम दिया। तुम्हारे आने के बाद मेरा काम और आसान हो गया, तुमने हद से बढ़कर मेरा साथ दिया, मेरा कहा माना और अपने अंदर के दुख को भी मिटा दिया। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं इस तरह जा रहा हूँ, लेकिन मेरा सफर यहीं तक था, मुझे अब जाना होगा। ये पढ़कर हैना पूरी तरह से टूट गई, वो जोर जोर से रोने लगी। आखिर जिसके सहारे उसने अपनी जिंदगी की खुशियों को वापस पाई थी वो उससे दूर जा चुका था। तभी हम देखते हैं कि जून उसकी खींची हुई तस्वीर से मिटने लगता है, जैसे वो कभी हैना के साथ था ही नहीं। यानी अब हैना के पास कोई सबूत नहीं कि वो कभी जून से मिली थी। अब दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जून को होश आ रहा है जिसके लिए उसने काम किया। वो आदमी या फरिश्ता उससे कह रहा है कि तुमने अच्छा काम किया, तुमने हैना की भी मदद की और सच का साथ दिया। याद रखना, सच से कभी भागना नहीं बल्कि उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि सच ही है जो तुमको असली ताकत देता है और तुम्हारी इसी खूबी की वजह से तुम्हें एक और मौका दिया जा रहा है। लेकिन होश में आने के बाद तुम्हें अपना ये सफर याद नहीं रहेगा और ना है ना तुम अपने इस डाकिये वाले किरदार को भी भूल जाओगे। ये कहकर उसकी जिंदगी फिर से रीसेट हो जाती है और जून को होश आ जाता है, पर उसे पिछला कुछ भी याद नहीं जो भी उसके साथ एक्सीडेंट के बाद हुआ। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि हैना को एक पोस्ट ऑफिस में नौकरी मिल गई है और एक दिन उसी पोस्ट ऑफिस में जून भी अपनी कंपनी के काम से आता है, जहां हैना उसे देखकर हैरान रह जाती है। वो उसको आवाज लगाती है लेकिन जून उसको नहीं पहचान पाता, और तब जाकर जून को समझ आता है कि वो जागने वाली बात असल में होश में आने वाली बात थी। यानी जून अब होश में आ चुका है और ठीक है, वो ये सब सोचकर खुश हो रही होती है। तभी जून कहता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। हैना ने कहा कि कहाँ मिल सकते हैं। जून ने कहा कि सपने में, किसी कैफे में या किसी होटल में।
है ना, ये सुनकर मुस्कुराने लगती है क्योंकि जून को भले ही बाकी सब याद ना हो लेकिन उसे ये जानकर खुशी है कि कहीं ना कहीं वो उसके दिमाग में अभी भी मौजूद है। तभी अचानक है ना उसके गले लग जाती है और यही इस मूवी का होता है दी एंड। वैसे इस तरह की मूवीज का कोई दी एंड नहीं होता क्योंकि ऐसी कहानियों में एक ऐसा पहलू होता है जो हमारे अंदर घर कर जाता है जिसकी वजह से हम ऐसी मूवीज को कभी भूल नहीं पाते। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। साथ ही अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अगर आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसी कहानियां हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। तो चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही जबरदस्त मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।